इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं का नियम क्या होगा? स्वयं के नियम को बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे को पता चला कि स्वयं का इतना ही मतलब है कि 24/7 कोई भाव और विचार मेरे भीतर बना रहता है। मेरा सारा सुख दुख किस बात पे निर्भर करता है? मेरा सारा सुख दुख इस बात पर निर्भर करता है जब भी भाव की जगह में अभाव हो जाता है और विचार में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, अंतर विरोध हो जाता है, तो भाव में कोई अभाव हो गया, विचार में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, अंतर विरोध हो गया, तो उसका नाम दुख है। और जब भी मैं भावपूर्ण होता हूं, जब भी विचार में हार्मनी है, तो उस समय में मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल होता है। इसका मतलब मेरा भाव और विचार कैसा हो? मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए मैं क्या चाहता हूं कि कैसा हो? स्टेबल हो। स्टेबल होने का मतलब ही मैं कहना चाहता हूं कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो। मैंने किसी की हेल्प की, किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया, किसी को चोट लगी थी उसकी पट्टी करा दिया, किसी के लिए खाना दे दिया, किसी के लिए कंबल दे दिया, घर में सबका ख्याल रखा, क्या उसके आधार पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा? मैंने किसी को खाना खिलाया है तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा? मैंने किसी को ठंड लग रही थी उसको कंबल दिया है, क्या मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा? तो ये क्लैरिटी हमारी बनने की जरूरत पड़ेगी कि मैं यदि सोते समय भी खराब सपना आ गया और सपने में किसी ने धोखा दे दिया तो वो तो नींद खुलने के बाद बड़ा रिलैक्स फील होता है कि सपना था। और बहुत देर तक अपने आप को समझाता हूं कि कोई परेशानी की बात, ज्यादा झंझट की बात नहीं है, ये सब नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, सपना था। तो इसका मतलब है कि सपने में भी किसी ने धोखा दिया, सपने में भी मैंने कोई इनसिक्योरिटी को देखा, सपने में भी मैंने रिलेशन में कोई गैप देखा, तो वो भी मुझको परेशान करता है। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड, तो चाहे मैं सो रहा हूं तब भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट होता है और उससे मेरा सुखी दुखी होना होता है कि नहीं होता है? तब भी होता है। इसका मतलब है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा के लिए मेरे लिए सुखदाई हो जाए, और मैं मेरे लिए तो सुखदाई है और मैं दूसरे के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा हूं। जब मैं दूसरे के लिए नेगेटिव सोचता हूं, उस समय मैं जब किसी दूसरे के लिए नेगेटिव सोचता हूं और जिसके लिए सोच रहा हूं उसको पता नहीं है, लेकिन मैं जब नेगेटिव सोच रहा हूं तो मेरे को अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। तो आपके लिए मैं कुछ नेगेटिव सोचता हूं, आपको भी पता भी नहीं है, लेकिन मेरे को कैसा लगना शुरू होता है? खराब लगना शुरू होता है। इसलिए मेरे को हमेशा अच्छा लगे मैं क्या चाहता हूं? मुझको हमेशा अच्छा लगे, हमेशा अच्छा लगे। तो मेरे को हमेशा अच्छा लगे तो मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो कि सभी के लिए सुखदाई हो? इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। इसका मतलब है कि जब भी हम स्वयं के प्रति विश्वास की बात करेंगे, तो बेसिकली अपने भाव और विचार की स्थिति की बात करेंगे। जब भी भाव और स्थिति की बात करेंगे तो मेरे लिए मेरा भाव और विचार और सभी के लिए मेरा भाव और विचार, यदि उसमें कुछ भी कंफ्लिक्ट आता है और कुछ भी उसमें अभाव आता है, वो मेरे लिए दुख का कारण बनता है। और मैं दुखी होना चाहता हूं कि सुखी होना चाहता हूं? मैं सुखी होना चाहता हूं, इसलिए मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो, सभी के लिए सुखदाई हो। इसका नाम स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। गाड़ी चलाने से आएगा, कंबल बांटने से आएगा, फ्री में ट्यूशन पढ़ाने से आएगा, पानी बचाने से आएगा, गाय बचाने से आएगा,
कैसे आएगा? बच्चों की बहुत देखरेख करने से आएगा, बच्चे मेरे को बहुत प्यार करते हैं इससे आ जाएगा, मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करता है इससे आ जाएगा, मेरा दोस्त बहुत प्यार करता है इससे आ जाएगा। मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है ना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है उसका इतना मतलब है कि मेरे को दुख नहीं देगी, लेकिन मेरे स्टेट ऑफ माइंड के कारण तो मैं दुख पा ही रहा हूं, मेरे भीतर इनसिक्योरिटी है उसको तो मैं झेल ही रहा हूं, दूसरे को देख के मेरे को छोटे बड़े का एहसास होता है उसको तो मैं झेल ही रहा हूं, मेरे को फ्यूचर को लेके वरीज है उसको तो मैं झेल ही रहा हूं, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरा बेटा भी अच्छा है, दोस्त भी अच्छे है। कहां पहुंचे? क्लैरिटी बनी? इसलिए जो आप बात बोल रहे थे उसको कहां रखें? उसको यहां रख लेते हैं, मैं भी रखना नहीं चाह रहा हूं, थोड़ा और बाद में रखेंगे, लेकिन उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिर से वापस लौटते हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि समाज में अपनी पहचान और सम्मान पाने के लिए हम जो बहुत एक्टिवली करते हैं, बहुत जो योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं अपने पहचान और सम्मान पाने के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर उसमें क्या है? मेजर फैक्टर है कि मैं कैसा दिखता हूं। फिर मैं कैसा दिखता हूं यहीं से सीमित है कि मेरी कार कैसी दिखती है और मेरा मोबाइल कैसा दिखता है और मेरी शक्ल और कपड़े और कैसे दिखते हैं? मेरे को ही तो पता है सफेद हो गए हैं, दूसरों को तो काले दिखा रहा हूं बाल, तो कुछ कमी भी है तो मेरे को पता रहे आपको पता मत चले। मेरे घर में पति पत्नी में ठीक नहीं चल रहा है तो मैं कोशिश करता ही हूं कि दूसरों को पड़ोसी को पता मत चले। क्यों? क्योंकि मेरा सम्मान उससे प्रभावित होगा। हमारे घर में पैसे की कमी है तो लेकिन दूसरे को पता मत चले, क्योंकि पैसे के आधार पर भी हमारा एक सम्मान देखा जाता है। तो इस सारी चीजों से इस बात पर हमारा ध्यान जाता है कि मेरी पहचान और सम्मान का कांटा कैसे अटका हुआ है। रूप उसमें एक मेजर पार्ट है, शरीर उसमें एक मेजर पार्ट है, पहले तो रूप यहीं तक था, अभी तो रूप नीचे तक आ गया है ना। जितने लोग जिम में जाते हैं तो जिम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बॉडी अच्छा दिखेगा तो दिखने से जो सम्मान मिलता है वो शरीर को अच्छा दिखने वाला भाग है, उसमें स्वस्थ रहने वाला भाग ज्यादा है कि दिखने वाला भाग ज्यादा है वो आप ही देखो। ठीक ठीक। अब पैसा, पैसे को तो कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है और बच्चे एटीएम मशीन बन जाए ये माँ बाप की सफलता है। फाइनली सम्मान इस बात का है कि पैकेज कितने का लगा, उसी एजुकेशन का सम्मान है जिसमें पैकेज लग जाए, और फाइनली वो पद किस काम का जिसमें पैसा नहीं आता हो। आपको एक पद दे दें उसमें पैसा नहीं है तो पद अपने को काम का नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने सम्मान को रूप बल और धन पद से ही सुनिश्चित करते हैं? कितने प्रतिशत होगा? बोल नहीं रहे, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, है अब देखिए, इस तरह से रेड कलर आपको ठीक से दिखता है कि नहीं, या ब्लैक यूज ब्लू यूज करो? ब्लू ज्यादा दिखेगा। तो इसका मतलब है अब ऐसा चलने से तीन फ्री गिफ्ट साथ में मिलते हैं। एक फ्री गिफ्ट है भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, यही हमको युद्ध और संघर्ष के रूप में दिखाई देता है। हो गया?
हाँ बढ़िया। ठीक लग रहा है? ठीक चल रहा है? देखो तार नहीं पकड़ेंगे ना, मैं बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ, और मेरे को 20 साल हो गए ये काम करते हुए। 20 साल के 20 साल के दौर में इतने सारे लोगों की जिंदगियां देखा, और सफल लोगों की जिंदगियां देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 10,000 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुख्यमंत्री हो और यूएनओ में सेक्रेटरी हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो जीने की दुनिया है ये एकदम अलग है, और जीने की दुनिया को एड्रेस किए बिना हमारी जिंदगी में तृप्ति नहीं है। लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, अपने भीतर का खालीपन, अपने भीतर में जो जूझना है, अपने भीतर में जो कन्फ्लिक्ट है। बल्कि जितना दुनिया की नजर में सफल हुए उतना भीतर कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और वो कन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं होता है। कम से कम सामान्य आदमी आराम से जीता है, पान ठेले पे वो गुपचुप खाते हैं रोड पे खड़े होकर। क्या गुपचुप बोलते हैं क्या, है ना? उसका मजा ही अलग है। अब सेलिब्रिटी आदमी तो रोड पे खड़े होकर गुपचुप भी नहीं खा सकते, और चुगली चुगली करने का मजा ही अलग है। तो बहुत सारे काम है, अब इसकी लिमिटेशन को समझते हैं। देखो कितने प्रतिशत लोग हैं जिनका इस दुनिया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, भाव और विचार मेरा इसके लिए। हम सुबह से अभी अभी कितने लोगों की ये क्लैरिटी बन गई कि फाइनली मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार हैं, और कोई दूसरा मेरे को दुखी करता है कि मैं दुखी होता हूं? जोर से बोलो, मैं दुखी होता हूं। दूसरा कुछ ऐसा करता है कि उससे आपके भाव और विचार प्रभावित होते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, 10 लोगों को एक ही समान बोला था, 10 लोग एक समान प्रभावित होते हैं कि अलग अलग प्रभावित होते हैं? कोई उसी बात को हंस के उड़ा देता है, और कोई उसी बात पे सुसाइड कर लेता है। तो इसका मतलब है कि हम सबकी स्टेट ऑफ माइंड अलग है। किसी एक बात से हम अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं, और कल तक मैं जैसा प्रभावित होता था अब मैं वैसा प्रभावित नहीं होता हूं। मैं अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदलते हुए भी देखता हूं। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि ये वाला भाग तो हमारा अनटच्ड है, इसकी हमारे को बहुत ध्यान भी नहीं है। अभी मैं इस बात पे ज्यादा नहीं जाता हूं, मैं लौट के अभी इसी बात पे आता हूं कि इसके लोचे, इसकी प्रॉब्लम कैसी है। देखो जब मैं इंद्रियों से सुखी होने जाता हूं तो इसका इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन शब्द ठीक है ना, इसकी गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? मैं सुख कितना चाहता हूं 24/7, और इंद्रियों से कितना मिलेगा? इंद्रियों से मिलने वाला सुख कितना मिलेगा? एक तो ये क्षणिक मिलेगा, ये इसकी लिमिटेशन है, नंबर एक। नंबर दो, ये दूसरे पे निर्भर है, चाहे मेरा अपना ही शरीर क्यों नहीं हो। अब मेरे को डायबिटिक हो गया है और मेरे को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर कहता है तुमको रसगुल्ला नहीं खाना है, तो ये दूसरे पे निर्भर है, चाहे मेरा अपना ही शरीर क्यों ना हो। सुख को, इंद्रियों को भोगने वाला भी स्वयं ही है, मैं ही। ऐसे हम चाय पीते हैं तो मेरे को क्या मिलता है और शरीर को क्या मिलता है? हम इंद्रियों को भोगते हैं तो इंद्रियों से जो मिलने वाला सुख है उसको मैं ही भोगता हूं। तो चाय का स्वाद मुझको मिलता है, शरीर को कोई पोषण या शोषण मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दूसरे पे निर्भर है। तीसरा और सेंसिटिव है और इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पति पत्नी संबंध की बात इसलिए करता हूं कि दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यदि किसी पत्नी को अपने पति के बारे में लगता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में संयमित नहीं है, कंट्रोल नहीं है, इसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो एक पत्नी अपने पति पे जीने के अर्थ में ज्यादा विश्वास कर पाएगी कि कम विश्वास कर पाएगी? कहीं भी बहक सकता है, ठीक, और वाइस वर्सा। अब इसको दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने पे आ जाइए। यदि मुझको स्वयं को अपने बारे ये लगता है कि इंद्रियों के मामले में मैं संयमित आदमी नहीं हूं, मेरा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, खाना खाने जाता हूं तो अंदर से लगता है कि नहीं हो गया, लेकिन मन करता है कि और आने दे,
और बाद में पेट खराब होता है और खराब लगता है, फिर बाद में अपने पे लगता है यार मैं अपने पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ, फिर अपने अंदर गिल्ट आता है, अपराध बोध आता है, लेकिन फिर उसके बाद वही होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने लिए लगता है कि मेरा इंद्रियों के मामले में कंट्रोल नहीं है, तो उसको अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है कि कम होता है? पीछे वालों कम होता है, साथ साथ चल रहे, दो बीच में पूछ लेता। तो इसका मतलब जीने के मामले में इंद्रिय सुख इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंद्रिय सुख जीने के मामले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि जीना को सेंटर में रखें, यदि जीने के प्रति विश्वास की बात करें, यदि जीने के विश्वास की बात करें, जीने के प्रति विश्वास की बात करें, और इंद्रियों से सुख पाने की तरफ जितना ज्यादा अनकंट्रोल्ड होते हैं, उतना ही जीने का विश्वास, उतना ही स्वयं के प्रति विश्वास, उतना ही संबंध के प्रति विश्वास कम होता हुआ दिखाई देता है। चौथा एक लोचा और है, मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? एक बार कोई खाने की चीज जीभ पे आई, उसके लिए कितनी मेहनत हुई है? किसी ने खेत में उगाया है, किसी ने काटा है, किसी ने प्रोसेस किया है, किसी ने होलसेलर को पहुंचाया है, किसी ने रिटेलर को पहुंचाया है, वहां से मैं लेके आया हूं, घर में आके प्रोसेस किया है, तब जाके जीप पे एक कोर आया है। और कितनी देर स्वाद मिला? रखा और गया, और ज्यादा रखोगे तो उल्टी हो जाती है। ऐसा भी नहीं कि दिन भर रखते रहें, वो भी नहीं है। तो खाने से इंद्रियों से क्षणिक स्वाद मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 24 घंटे भोगते रहें उसमें भी क्या बुराई है? वो भी संभव नहीं है। तो इससे पता चलता है मेहनत बहुत ज्यादा है और जो मिलता है बहुत छोटा है। चार लोचे निकले, तो पांचवा लोचा आपने देखा हो तो बता दो। लोचा शब्द मैंने सूरत में आके सीखा, सूरत में लोचा काफी टेस्टी होता है। हाँ जी, है इंद्रियां थक जाती हैं, है ना, इंद्रियां थक जाती हैं। ये भी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट, उसमें निर्भरता वाले पॉइंट में कवर हो जाता है कि इंद्रियां थक जाती हैं और मेरा मन अभी थका नहीं है, और शरीर जवाब दे जाता है, तो निर्भरता है। और डिमांड बढ़ती रहती है, और चाहिए, और उसमें उस चक्कर में मैं बेगारी करता रहता हूं, ठीक है, और ये एंडलेस चलता रहे। ये हमने एक चर्चा किया कि इंद्रियों से सुख वाले पार्ट में, मतलब जीने वाले पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं। फाइनली जीने वाले पार्ट में गए, तो जो मेरी 24/7 की जरूरत है, जब मैं उसको इधर से पाना चाहता हूं तो कैसे कॉम्प्लिकेशन आता है, उसकी चर्चा हमने की। अब इधर की चर्चा करते हैं, ये पहचान की चर्चा करते हैं। देखो, ये अच्छी बात हमने पहचानी कि ये पहचान, बेसिकली पहचान और सम्मान, ये दोनों ही, मेरे को लगता है यहाँ पे हम सबका ध्यान चला जाए, ये सुख मेरे जिंदा रहने की जरूरत है कि मेरे जीने की जरूरत है? हैं? क्या कितने लोगों को बोलते समय कंफ्यूजन लग रहा है? क्योंकि जिंदा रहने और जीने की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं जोर से हाँ बोल देता हूं तो उसके बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या। इसका मतलब है कि बेसिकली सुख मेरे जीने की जरूरत है, बेसिकली पहचान और सम्मान मेरी जीने की जरूरत है, और मैं क्या कर रहा हूं, उसको जिंदा रहने की तरफ से पाने की कोशिश करता हूं। इसका लोचा कैसा है? जब मैं शरीर से पहचान, ये बेसिकली जिसको हम बोल रहे हैं इसका नाम शरीर है, जब मैं शरीर से पहचान चाहता हूं तो क्या लोचा है इसमें? एक तो ये हमेशा कंपेरिजन में जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये हमेशा कंपैरिजन में जाता है, मेरी हाइट उसकी हाइट, मेरी शक्ल उसकी शक्ल, ठीक है, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी, मेरा धर्म उसका धर्म, तो लगातार मैं कंपैरिजन में रहता हूं। लगातार कंपैरिजन में रहूंगा तो क्या स्थिति बनेगी? हमेशा मेरा सम्मान बना रहेगा कि कभी नीचे भी देखना पड़ेगा? जब कंपैरिजन में है तो कभी दूसरे का ज्यादा ही निकल जाएगा,
तो किसी को देख के मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ और किसी को देख के मैं अपने आप को बड़ा महसूस करता हूँ, और बड़ा महसूस करते समय बड़ा बना रहता हूँ कि छोटे का खतरा लगातार बना रहता है, छोटे का खतरा लगातार बना रहता है। और ये बड़ा होना भी सुख है या कुछ और है? है? ये बेसिकली मेरे अहंकार का पोषण है। जब मैं अपने आप को बड़ा दूसरे से देखता हूं तो वो अंदर से मेरे को कोई सेटिस्फाइंग चीज नहीं है, मेरे अहंकार का पोषण है, और अहंकार का पोषण अपने आप में कोई सुखदायी चीज नहीं है। एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कंपैरिजन में जाता है, और क्या प्रॉब्लम है? है? आज है कल नहीं है, इसमें निरंतरता नहीं है, निरंतरता नहीं है, जबकि पहचान की मैं निरंतरता चाहता हूं। और कुछ एटीट्यूड आएगा जिसको मैंने अहंकार कहा, इसी का नाम एटीट्यूड है। अंदर से हवा निकले रहना, बाहर से दिखाते रहना, एटीट्यूड का मतलब इतना ही। और सारा बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट है ही है ना, इसलिए उसकी तो फाइनली क्या स्थिति बनी देखो। और जो गंभीर चीज है कि मेरी पहचान और सम्मान को मैं कैसा चाहता हूं, वो स्थाई हो कि अस्थाई हो? मेरी पहचान और सम्मान कैसा हो, स्थाई हो कि अस्थाई हो? परमानेंट हो, स्टेबल हो, है ना? जिसके साथ भी मेरा जितना सम्मान बना रहता है उससे कम तो नहीं हो, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा रूप स्टेबल है कि अनस्टेबल है? कल जैसा दिखता था आज ऐसा नहीं, जैसा आज ऐसा कल नहीं रहेगा, ये पक्का। मैं कुछ भी कर लूं उसके लिए, शरीर का वो नेचर है, शरीर का वो नेचर है। पैसा, 20 साल की स्टोरी देखो, जीरो वाले ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, ऊपर वाले नीचे आते हुए दिखाई देंगे, 20 साल के टाइम स्पैन में देखो। पद 60 में तो रिटायर होना ही है, ये तो पक्का ही है। और मैंने सुबह भी कहा, जिंदगी भर क्या कमाया इसका पता 60 के बाद चलेगा। ताली के लायक तो बात नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, हम लोग 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसा मैं क्यों बार बार बोलता हूं, तो मेरी 54 चल रही है। जब मेरी 54 चल रही है तो मेरे दोस्त 2-5 साल बड़े भी हैं, 2-5 साल छोटे भी हैं, और सभी जगह में सब तरह के दोस्त हैं। अभी सबको दिखाई दे, लगातार दिखाई दे रहा है कि जिनको हम 25 में बहुत बड़ा मानते थे, और 60 में आते आते सबकी हवा निकल गई। जिसको पद को बहुत बड़ा माना था, जिसको धन को बहुत बड़ा माना था, जिसको कोई और चीज को बड़ा, तो पता चल रहा है यार वो कुछ भी काम नहीं आ रहा है, जिंदगी के सामने सब जीरो हो गया, जिंदगी कोई चीज से मानती ही नहीं है, किससे कुछ होता ही नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, और बता, ये भी हो गया, देख लिया। तो इसका मतलब है मेरी पहचान को मैं स्थायी चाहता हूं, लेकिन जिस चीजों से चाहता हूं वो सारी चीजें कैसी हैं, स्थायी हैं कि परिवर्तनशील हैं? मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं परिवर्तनशील चीजों से, जो चीजें स्वयं में परिवर्तनशील हैं, मैं परिवर्तनशील चीजों से जो अपने आप में स्टेबल नहीं है, मैं उनसे स्टेबिलिटी चाहता हूं। कितना बड़ा लोचा, बिगेस्ट लोचा ये है कि जो चीजें खुद में स्टेबल नहीं है उनसे मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं। कितने प्रतिशत लोग? और जो ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा बड़ा पद पा गए, उनकी ज्यादा बड़ी मुसीबत, क्योंकि कल नहीं रहेगा। ठीक, तो इन सारी चीजों को देखते हैं। देखो, अभी भी आप देखो, आपकी बाई आपसे छुट्टी मांगती है या बताती है? आप बोलते हो फोन तो कर दिया कर, तो चली जा, पर कम से कम बता तो दिया कर, मैं इंतजार करते रहते हूं। जो लाख रुपए महीने पाता है उसको डांटना बहुत आसान है, और 2 लाख रुपए पाता है डांटना और आसान। क्यों? उसको वैसी दूसरी नहीं मिलेगी। जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं उतना ही वो पिरामिड छोटा होते जाता है। अभी कोरोना काल में ज्यादा सैलरीज किसकी कटी? इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ हमारे मित्र चलाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो जो 1.5 लाख सैलरी पा रहे थे उसको निकाल के 25 वाले 5 मिलेंगे, तो 1.5 लाख वाले को निपटाओ। ऐसे भी क्वालिटी की किसको पड़ी है।
तो सारी चीजों में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज 10 साल पहले था, 10 साल पहले भी और छोड़ो, 20 साल पहले था, आप छोटे आदमी को डांट लेते थे, और पिछले 20 सालों में वो जमाना चला गया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चीजें परिवर्तनशील हैं, जब उनसे हम स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, उनसे हम स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, तो ये अपने आप में, तो जिस तरीके से ऐसे अभी हम जी रहे हैं, जैसे अभी हम जी रहे हैं, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जैसा अभी हम जी रहे हैं उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ेगी या घटेगी? जोर से बोलो। तो जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? सारी सफलताओं के बावजूद, सारी सफलताओं के बावजूद क्या दिक्कत, क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया ऐसा? एड्रेस गलत है। क्या एड्रेस गलत है? तो कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? जो चीजें जीने के प्लेटफॉर्म वाली थी, उनको हम कहां से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? उनको हम जिंदा रहने से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन इस बात का है। तो बेसिकली ये जो कंफ्यूजन है, तो इसकी वजह से इस वाले पार्ट की कोई चर्चा ही नहीं है। इस वाले सारा मेरा आओ अच्छा कैसे हो जाएगा, जीना कैसे हो जाएगा, क्या सोच के चल रहे, गाड़ी का साइज बड़ा हो जाए, मकान का साइज बड़ा हो जाए, और हर हर महीने सिंगापुर एक टूर मार दें और उसको फेसबुक पे डाल दें और पड़ोसी जल जल के लाल हो जाए। बिल्कुल आसान है जिंदगी, एकदम सरल है जिंदगी, एकदम मजे की चीज है। आदमी का कंजम्पशन कितना छोटा है, उसकी ताकत कितनी बड़ी है, उसके पास सोचने की सामर्थ्य कितनी है, उसका कंजम्पशन शरीर का कितना खाते हैं, 2 रोटी सुबह शाम, ये हम लोग कितना खाते हैं सुबह, हमारे घरों में आज भी खाने के खर्चे वाले प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर रहे हैं, तंग करने वाली चीजें दूसरी हैं, और वो सारी जीने वाली चीजें हैं जिनको हमने जिंदा रहने के साथ में जोड़ रखा है। सर लेकिन ये जीने की जो चीजें है उसको डायरेक्ट जिंदा रहने के जो स्टेप है उसको स्किप करके सीधा जीने के स्टेप पे जा सकते हैं? नहीं, एक बात ये भी तय करो कि जिंदा रहने का सामान जीने की तरफ से सेट होता है कि जिंदा रहने का सामान जिंदा रहने की तरफ से सेट होता है। जिंदा रहने का सामान को सेट करने वाला कौन है? जैसे पैसा कितना चाहिए, इसको सेट करने वाला कौन है? माइंड सेट। लेकिन मुझे पैसों के, पैसे से सुख नहीं मिलता है, या फिर रूप से, बल से, धन से, पद से सुख नहीं मिलता है, उसके लिए एक बार उसको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऐसा मान लेना नहीं, ऐसा अपन बिल्कुल, आप जिस तरफ जा रहे हो उधर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज है जिसको बोलते हैं अच्छा लगना, एक दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं अच्छा होना। क्या फर्क है दोनों में? अच्छा लगना, अच्छा होना। अच्छा लगना परिवर्तनशील है, अच्छा लगना मोमेंट्री है, अच्छा लगना परिवर्तनशील है ना। जैसे मैं बोलूं कि आप बहुत अच्छी दिख रही हो, आप तो पहले भी सुन के खुश हो जाते, अभी दूसरा सेंटेंस बाकी है, पर आप अच्छी हो नहीं। दिख रही हो क्या मतलब? जब दिख रही है तो किसको बोल रहे हैं? शरीर को, कपड़े को, है ना। लेकिन अच्छी हो नहीं अब किसको बोल रहे हैं? आपके भाव और विचार को, आपके भाव और विचार की क्वालिटी को। तो इससे ये समझ में आया कि हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो इसके लिए मना किया क्या? अच्छा कपड़ा हम पहनेंगे, लेकिन मैंने पैंट अच्छी पहनी है, शर्ट मेरी अच्छी है, मेरे भाव और विचार एकदम स्टेबल हो गए, ऐसा हुआ क्या? अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तो बने ही रहेंगे। तो हम कपड़ा अपनी पसंद का पहने लेकिन उसकी औकात इतनी है कि अच्छा लगता है, लेकिन उसके आधार पे मेरा सम्मान सुनिश्चित हो गया, मेरी पहचान सुनिश्चित हो गई, ये तो नहीं होगा। तो इसको मना नहीं कर रहे, लेकिन ये तो जिंदा रहना मेरी जो है, पशु के लिए क्या बोलेंगे? जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। एक सेकेंड, पशु के लिए क्या बोलेंगे? जिंदा रहना आवश्यक भी है,
पर्याप्त भी है। मानव के लिए क्या बोलेंगे? जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? जीना पर्याप्त है। तो जिए बिना मानव को तृप्ति नहीं है, भाव और विचार की तृप्ति भी ना मानव की तृप्ति नहीं है। तो गाड़ी अपनी पसंद की ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी कौन सी लेनी है कौन तय करता है? स्टेट ऑफ माइंड। खाना कितना खाना है कौन तय करता है? स्टेट ऑफ माइंड। कपड़े कैसे पहनने कौन तय करता है? स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड लावारिस है। लावारिस का मतलब है इसका अपना कोई बेचारे का वजूद नहीं है, तो कभी किसी को कॉपी करता है, कभी किसी को कॉपी करता है, कॉपी कर करके थक जाता है, लास्ट में अपने हाथ में कुछ आता नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि किसी 5 साल के बच्चे को हम संत बना देते हैं, वो उसकी जरूरत संत बनने से कहां काम चला? मानव बनना जरूरी है। तो 5 साल के बच्चे से हम क्या पूछ रहे हैं? किसी के भी घर जाएंगे कोई आदमी क्या पूछता है? बड़े होते क्या बनोगे? डाल दिया उसकी जिंदगी में जहर। अब समझ में आ रहा है? बड़े होके क्या बनोगे? तो आपने उसके भीतर एक कीड़ा डाल दिया कि तुमको बड़े होके कैसा दिखना है, क्या बनना है। आप क्या पूछेंगे जब जिंदा रहना और जीने को समझेंगे? तो क्या पूछेंगे? बनेगा मतलब स्किल, बनेगा मतलब दिखना, बनेगा मतलब शरीर, बनेगा मतलब जिंदा रहने वाला पार्ट। अभी तो जब हम ऐसा पूछ रहे हैं तो हम मानव को पहचान रहे हैं कि शरीर को पहचान रहे हैं? अब क्या पूछेंगे? बड़े होके कैसे जियोगे? अब जियोगे का मतलब उसके भीतर एक दूसरा कीड़ा छोड़ दिया। जीना मतलब कोई चीज होती है। क्यों हमारे बच्चों को सबको लगता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सेलिब्रिटी बनना है? क्यों उसके मन में कभी ये नहीं आता कि मानव बनना है, बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है? तो दिल्ली वाले बोलते हैं बड़ा ही बढ़िया होता है भाई। पर अगर बच्चे के अंदर कोई भूख और प्यास ही नहीं लगी है, क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, तो फिर अगर हम डाल देते हैं तो वो जहर बन जाता है। जहर ही है वो, हमेशा ही जहर है वो। ये क्या बनना है ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक मानसिकता है। जब वो प्यास लगे तब अगर वो खोजे तब वो खोजे। हमको केवल इतनी क्लैरिटी देनी है कि उसके जीने का स्वरूप कैसा होगा, जीना क्या चीज होती है। जीने में बनना बाय डिफॉल्ट कुछ हो जाएगा और जो होगा बढ़िया होगा, जो होगा शानदार होगा, बहुत बढ़िया होगा, उसको धीरे धीरे देखेंगे। माइक ब्रेक का इशारा नहीं हुआ, 1 बजे कर दे। सर हमने ऐसा डिस्कस किया कि जो पहचान और सम्मान है वो जीने के स्टेट की चीजें हैं, और हमने यहाँ पर ऐसा कोट भी किया कि 24/7 हमारा भाव विचार का जो स्टेट होता है वो जीने को डिफाइन करता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर पहचान और सम्मान के बिना क्या हम जीने के स्टेट में नहीं रह सकते? क्योंकि हमने ऐसा डिस्कस किया कि 24/7 जो भाव विचार होता है वो नक्की करता है, पर लेकिन हम सम्मान को ले लेते हैं। तो कोई गाली दे या ताली दे, कोई आलोचना करे या फिर हमारी प्रशंसा करे, उसे हम वर्णमाला के ही शब्द की जोड़ समझ लें, तो क्या हम जीने के स्टेट में नहीं रह सकते? वो तो स्टेट है। जीने को क्या बोला? स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। तो जीने को यह बोला कि मेरी खुशी दूसरों की मोहताज नहीं है, मेरी खुशी मेरा स्टेट ऑफ माइंड है और वो हमेशा मेरे पास है। उसी को जीना बोल रहे। फिर मैं अकेले में हूं तो भी उतना ही खुश हूं, सबके साथ हूं तो भी उतना ही खुश हूं, है ना। सो रहा हूं तो अच्छा ही सपना आएगा, खराब आएगा ही नहीं, विचार में कोई कंफ्लिक्ट आएगा ही नहीं, नेगेटिविटी होगी ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंस में नेगेटिविटी नहीं है। उसको और समझेंगे। माइक जीना हम समझ सकते हैं कि वो इट्स अ रिक्वायरमेंट टू बिकम हैप्पी, सुखी रहने के लिए जीना। बहुत क्लैरिटी अभी नहीं हुई है, थोड़ी बात हमने की है कि जीने का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास
और स्वयं के प्रति विश्वास है कि अपने भाव और विचार के प्रति विश्वास। तो कितने लोगों को लगता है कि भाव विचार कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज? कितने लोगों को लगता है कि अलग अलग है? कितने लोगों को लगता है कि एक ही है, भाव और विचार एक ही बात, एक ही बात है? कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही बात है? माइक। व्हाटएवर वी फील वी थिंक, मतलब जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। वी थिंक गुड वी फील गुड, दैट्स व्हाई आई फील दैट इट इज सेम। चलो यदि मैं पूछूं कि भाव और विचार फिर दो शब्द देने की जरूरत है कि एक ही शब्द काफी है, या भाव और विचार को यदि डेफिनेशन लिखना चाहें कि भाव का डेफिनेशन क्या होगा और विचार का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या लिखें? इफ आई थिंक दिस वे देन इट इज समवेयर डिफरेंट, बिकॉज हम हो सकता है हम सोच कुछ और रहे हैं और हम सामने किसी को कुछ और बताएं। ऐसा होता ही, हाँ जी, ओके। कितने लोगों को लिखते समय एकदम क्लैरिटी थी कि मैं ठीक लिख रहा हूं? कितने लोगों को लिखते समय कंफ्यूजन था कि क्या लिखा जाए? जिनको क्लैरिटी है वो अपने पड़ोसी को समझाएं। जिनको क्लैरिटी है वो तो समझा सकते हैं ना, जिनको कंफ्यूजन है वो कैसे? हाँ जी, क्लैरिटी वाले अपने पड़ोस को समझाएं, नहीं तो माइक लेके बोले। माइक, हाँ जी माइक, जिनको क्लैरिटी है उनको माइक दो। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। भाव मतलब उस समय, जो उस समय पर्टिकुलर जो हमारी फीलिंग हो वो। अब इंग्लिश में बोल देने से क्या मीनिंग हो जाएगा? नहीं सर, भाव को मीनिंग बोल दिया आपने, फीलिंग नहीं, बोल दिया। भाव मतलब जो हम फील भाव कर मतलब रहे हैं। चीज क्या? हाँ, भाव मतलब भाव जो फील कर रहे हैं उस वक्त, जो हम भारी और फीलिंग मतलब क्या होता है? भावना, फीलिंग मतलब भाव। तो राम का घर श्याम के सामने, श्याम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। पूछोगे तो ना राम मिलेगा ना श्याम मिलेगा। फीलिंग मतलब भाव, भाव मतलब फीलिंग, भाव मतलब खुशी दुख इस टाइप की चीज है कोई, इस तरह की कोई फीलिंग। ये क्या है? ये मोबाइल। मोबाइल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन भाव के लिए कंफ्यूजन है? हाँ, एग्जैक्टली हम जितना क्लैरिटी से बॉटल है, माइक है, शर्ट है, चेयर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। बोलते समय भी, फील करते समय भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन जब भाव की डेफिनेशन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें उतना क्लैरिटी नहीं है जितना फिजिकल चीज़ों के लिए हमारी क्लैरिटी, ऐसा एक बार ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो मिक्स होते हैं ना, मिक्स होता है, कुछ मिक्स होता है, कभी दुख भी होता है। खुशी भी भाव है क्या? हाँ। दुख भी भाव है क्या? हाँ। ईर्ष्या भाव है? ईर्ष्या भाव है कि अभाव है? दुख भाव है कि अभाव है? खुशी जो है वो पॉजिटिव में एक भाव है और ईर्ष्या एक नेगेटिव भाव है। गई? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जिससे भी, अच्छी बात यह है कि दुनिया हमारे आपके अकॉर्डिंग चलती नहीं है। नेचर का जो नियम है, जो एग्जिस्टेंस का नियम है, उसको मेरे से आपसे कोई मतलब नहीं, तो जैसा है वैसे ही है। इसलिए जिंदगी मेरे आपके सर, माई लाइफ माई रूल्स, चलाओ चला के देखो। तो मनमानी करने का नाम जीना नहीं है। जैसा कि हमने, आप जब बहुत कुछ शेयर कर रहे थे तो उसमें लैंग्वेज ऐसी आ रही थी कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। ऐसा बहुत कुछ हो भी रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना नहीं चल रहा है, इसका मतलब और गैप है। हाँ जी माइक, आपने पूछा विचार और भाव में क्या डेफिनेशन? हाँ। विचार जो बुद्धि की ऊपरी सतह है। हाँ, और क्या बुद्धि क्या होता है वो बताती हूँ। और भाव है वो थोड़ा डीप है। सपोज हम ऐसा है, सपोज कि हम किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं,
फिर विचार आया कि ये इतना सारा भाड़ा देना पड़ता है, चलो कुछ अपना कुछ मकान खरीद ले। हम मकान तो खरीदते हैं अपने हिसाब से, मतलब हमारे पास जो बजट होता है उस हिसाब से मकान खरीदते हैं, तो वो विचार है, पर वो कैसे बनाना है, प्लानिंग क्या है, वो भाव है। कैसे बनाना है, ये भाव है कि विचार है? विचार है। ओके। हेलो, कहाँ हो? यहाँ पर। हाँ सर, हमने लिखा है विचार का डेफिनेशन, हमने लिखा है अपनी समझ शक्ति, बुद्धि एवं दृष्टि के उपयोग से एक भावी चित्र बनता है जिसे विचार कहते हैं। और भाव में हमने लिखा है मन में उभरने वाले विचार भाव के स्वरूप में मिलते हैं। ये विचार भाव में कैसे हो जाते हैं? जैसे विचार का मैंने डेफिनेशन दिया सर कि कोई बहुत अच्छी शॉप चल रही है ड्रेस मटेरियल की, और मैंने सोचा मेरा भी ऐसा शॉप होना चाहिए, जैसे मैम ने अभी एक एग्जांपल दिया। तो मेरी समझ शक्ति से, मेरी बुद्धि से, मैंने जो देखा उस हिसाब से मैंने एक सोचा। वो भाव है कि विचार? वो विचार है, वो विचार है। और वही विचार को अगर प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊं, मीन्स उसमें अपने अपनी सोच जो है, मेरे जो विचार है उसके ऊपर मैं काम करूं, तो उसके लिए अलग अलग भाव जो जाएंगे वो उसके साथ शायद रिलेटेड है। आपको बोलते समय ऐसा लग रहा है कि क्लियर हो रहा है? थोड़ा कन्फ्यूजन का खुद को भी पता चलता है कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल उसमें कुछ तो लोचा है। हाँ। और किसी को शेयर करने का? सर कहाँ हो आप? हाँ सर, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है। अच्छा, भाव मतलब इमोशंस और विचार मतलब थॉट्स। और भाव में वी डोंट थिंक बिफोर वी फील, एंड विचार में वी फील अबाउट हाउ वी फील, वी थिंक अबाउट हाउ वी फील। और भाव में 7 इमोशंस होते हैं, और 9 इमोशंस होते हैं भाव में। हाँ, भाव में 9 इमोशंस, 9 रस। अच्छा। और विचार में 2 टाइप की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जब हम फील करते हैं तब हम फ्लो में जाते हैं, और जब हम विचार करते हैं तब हम ओवरथिंक करने लगते हैं और हम उसी में खो जाते हैं। क्या निकला? ये मेरे लिए टास्क दिया क्या? हाँ, क्लैरिटी बनी भाव और विचार के बारे में। हेलो, कहाँ हो? इधर सर। हाँ जी, थोड़ा सा खड़े हो जाए। भाव एक फ्लो है, पर्सन टू पर्सन आपका जो भाव होता है। जैसे आपके प्रति अभी आप हमारे साथ बात कर रहे हो तो आपके प्रति का भाव, फिर कोई और व्यक्ति मिलता है उसके प्रति का भाव है। क्या भाव? भाव, भाव क्या है? भाव एक आपका इमोशनलिज्म बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलने से मतलब नहीं होगा। विचार जो है वो फिक्स है। अभी आपने बोला वो रेंट पे लेने की बात की, ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो विचार है। प्लानिंग विचार, पर उसी घर को लेना नहीं लेना, यानी कहीं कहीं हम जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं ये घर हमको लेना चाहिए रेंट पे, हमको थोड़ा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हम फील करते हैं, जैसे वो भाव है मेरे दृष्टि से। हेलो सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम फ्रॉम सदर वाछाणी। सर, विचार मेरी दृष्टि से ये एक शक्ति का स्रोत है, और विचार अविरत तो मेरे मन में आते ही रहते हैं, उसे हम स्टॉप नहीं करते, कर नहीं सकते, जैसे कि सनराइज से उस तरह से। और भाव एक प्रोसेस है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी लिविंग बींग या नॉन लिविंग बींग को देख के, मेरे मन में या जो रिएक्शन आता है वो भाव है। हेलो, हेलो सर, सर आई एम दीपक फ्रॉम भोपाल। सर, विचार मतलब एक क्विक और मोमेंटरी चीज़ है, इमोशन उसके कंपैरिजन में स्टेबल है,
मतलब विचार तुरंत आएगा, तुरंत चला जाएगा, इमोशन स्टेक करता है। और सर इमोशन मतलब भाव है वो विचार से उत्पन्न, मतलब स्मृति में कोई विचार आया उसके बाद स्मृति में जो उसकी स्मृति सेव है उससे जो हमें रस मिलता है उससे उत्पन्न होता है भाव। हेलो हेलो, विचार थोड़ा सा स्टैटिक है लेकिन जो भाव है वो उस विचार से स्मृति में जो सेव है उससे उत्पन्न होने वाला चीज है। हेलो सर, हेलो कहाँ हो? हेलो, इतने अंधेरे में। हेलो, आगे सर, बाप बहुत दांतों से बना है जो संस्कृत की बहुत दांतों से बना हुआ जिसका मतलब होता है होना, जो हमारे अंदर होता है जो नेगेटिव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। विचार है वो भाव से उत्पन्न होता है। विचार भाव से उत्पन्न कैसे होता है, कोई एग्जांपल देके बता। जैसे अब हमारी किसी के प्रति थिंकिंग है, अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक विचार उत्पन्न होगा। जैसे बाजू वाले की ओड़ी देखकर हमें हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी ओड़ी लाऊं, तो उससे विचारों की विचारों का पदा पनपता है। ओड़ी लाऊं ये भाव है कि विचार? ये विचार है, विचार है, लेकिन भाव उसके मन में आया कि इसलिए उसको विचारों की उत्पत्ति हुई। भाव विचार का पता चले ना चले ओड़ी तो आई जाएगी। हाँ जी लास्ट सर, मैंने लिखा है मुझे पता नहीं सच है कि मतलब सही है कि नहीं, को पता ही है पहले। मैंने मेरे हिसाब से विचार वो है जो हम खुद से हमारे मन में जो बात करते कि जैसे पांचों इंद्रियों के थ्रू हमने कुछ देखा तो उसके रिलेटेड हम जब खुद से बात करेंगे हमारे मन में तो उसको हम विचार कह सकते। और भाव मतलब उन विचारों के बाद हमें जो हम जो महसूस करते तो उनको हम भाव का नाम दे सकते। उन विचारों जब मैं खुद से बात करता हूँ मेरे माइंड में तो उसके बाद मेरे मुझे गुस्सा आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ईर्ष्या होती है। बात करने के बाद जब बात खत्म हो जाती है, हाँ मतलब जब थॉट्स आ रहे दिमाग में उसके बाद उससे रिलेटेड जो मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ईर्ष्या हो रही है, तो उसको हम भाव कह सकते। तो भाव रुक रुक के आता है कि लगातार रहता है? नहीं रहे मतलब आएगा तो एक बार वो थोड़ा मेंटेन रहेगा बट उसके बाद वापस हम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। हाँ जी, सारी चर्चा से क्या निकला सोचते रहना। हाँ बेटा, गुड। भाव में जो फीलिंग्स होती है वो और विचार में जो हमें फीलिंग बनती है वो हम सोचते हैं वो कुछ तो होता है। बोले बोले, जिसके पास माइक है वो बोले। माइक ऑन नहीं है आप। हेलो हेलो हेलो, भाव की स्वीकृति को भाव कहते हैं। वो क्या होता है? अगर हम मानते हैं कि भाई ऐसा होता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसी हमारी स्वीकृति है वैसा हमारा भाव है। और विचार में भाव का विश्लेषण विचार जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनको बोल दें। सर, आई एग्री विद दैट स्मॉल गर्ल, भाव सीधा फीलिंग्स के साथ जोड़ता है इंसान को। ओह। और जो विचार है हमारे वो हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। okay. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वेरी प्रैक्टिकल। आप मुझे एक क्वेश्चन पूछो कि सर आपको नींद आ रही है? नहीं। क्यों? इट्स अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। ये मेरे विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मगर कोई मेरा पर्सनल दोस्त खास जिगरी मेरे बाजू में बैठा है, नींद आ रही है? हाँ आ रही है। ये मेरा भाव है कि मैं उसके आगे निसंकोच अपनी फीलिंग्स बता सकता हूँ। मगर जो विचार है वो प्रैक्टिकल चीजों के आधार पर डे टू डे सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हम विचारों के साथ किसी के साथ बात करते हैं। जी, थैंक यू। मैं चलूं अब? इस सारी चर्चा से क्या निकला? देखिए, ये सोचने की बात है
कि यदि मैं ये पूछूंगा तो सारे लोग क्या बोलेंगे, पेन है, मार्कर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि मैं ये पूछूंगा तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मोबाइल पूछूंगा तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कब पूछूंगा तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही जिंदगी से कोई भी चीज उठाते हैं, जीना को लेके कोई भी चीज उठाते हैं, वहां सबके व्यूज एक जैसे आने वाले हैं कि अलग अलग आने वाले, और अलग अलग बोलने वाले को खुद को भी पता है कि ये कंप्लीट नहीं है, है हम कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ एक कंक्लूजन है जो अपन ले सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज थोड़ी कम है, एक कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि अभी तक एज ए, हाँ अब ठीक है, अभी तक एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं है। क्या मतलब हुआ? एज ए ह्यूमन बीइंग अभी हम अपने को शरीर मानते हैं, हमको फिजिकल चीजों के बारे कोई क्लैरिटी है, इंजीनियरिंग क्या है फिजिकल चीजों के बारे एक क्लैरिटी है, मेडिकल साइंस शरीर के बारे एक क्लैरिटी है, तो खाने पीने के बारे बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे हमको कोई क्लैरिटी है। उसको हम इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, गुजराती में बोले, मराठी में बोले, फ्रेंच में बोले, लेकिन हम बेसिकली क्या चीज के बारे बात कर रहे हैं? हम किसी भौतिक वस्तु के बारे बात कर रहे हैं, फिजिकल चीज के बारे बात कर रहे हैं, और फिजिकल चीज के बारे बात करने की हमारी एक क्लैरिटी है। यदि दो लोगों ने मेडिकल साइंस पढ़ा है तो उनके बात करने का जो वर्ड्स वो यूज करेंगे, हो सकता है वो वर्ड्स में हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको एज सच मेडिकल साइंस की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसका एक मतलब ये हुआ कि हमारे पास वस्तु भाषा है, हमारे पास मानव भाषा नहीं है। मानव भाषा का मतलब है जिसकी समझ नहीं है, उसकी भाषा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि जीना को लेके यदि हमारी क्लैरिटी नहीं है तो जीने को लेके हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो सबके पास अपनी अपनी डेफिनेशन है, और सारे डेफिनेशन के बावजूद भी कोई क्लैरिटी से हम कोई बात को कह पाए ऐसा है नहीं। तो एक तो ये कहना चाहता हूं कि जीने की दुनिया से कोई भी शब्द उठाएं और भरी सभा में सारे सारी 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 सभा किसी एक परिभाषा पर सहमत हो जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा। जीना मतलब विश्वास, सम्मान, स्नेह, है ना, सफलता, ऐसा कोई भी शब्द उठा ले। सफलता को यहां बोलूंगा तो सफलता का हमारा सबका परिभाषा एक होगा कि अलग अलग होगा? सफलता की परिभाषा एक होगी। विश्वास की परिभाषा अलग अलग होगी। अच्छे आदमी की परिभाषा, सभी पत्नियों के लिए अच्छे पति की परिभाषा, और सभी पत्नियों के लिए अच्छी पत्नी की परिभाषा एक होगी कि अलग अलग होगी? और सुबह अलग और शाम को अलग हो सकती है, हाँ। और पीने के बाद कुछ हो, बाटले अंदर जाते ही नई परिभाषाएं आ सकती। तो लेकिन पेन बोलने के, पेन पीने के पहले भी पेन है और पीने के बाद भी पेन ही रहेगा। तो एक इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि जीने को लेके हमारी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जीने को लेके हमारी कोई भी परिभाषा एक नहीं है, और इसी बात पे हमारा झगड़ा है, इसी बात पे हम एक दूसरे से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, और इन्हीं चीजों को लेके हमारे मतभेद है। तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं और फिर हम बात करेंगे। देखिए, जब जीने को लेके बात कर रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं कि भाव और विचार ऐसा हो जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, सभी के लिए सुखदायी हो। अब ये कैसे होगा इसको बाद में देखेंगे, पर ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते तो हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जब भी मेरे भाव और विचार में अधूरापन है, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, कोई भी नेगेटिविटी है, मैं परेशान होता हूं, और जिसके साथ जीता हूं वो सूत्र क्या है? जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? दुखी आदमी क्या बांटेगा? कॉम्प्लेक्स किसके साथ? जिसको इनसिक्योरिटी है वो इनसिक्योरिटी की भाषा में बात करेगा, जिसको कोई फियर है वो फियर की भाषा में बात करेगा। ये हमसे होने ही वाला है क्योंकि ये सूत्र है कि जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। और इस तरह से हम अपने आसपास के वातावरण में सारे कंफ्यूजन और सारे, तो पहले एक चीज को स्थिर कर लें कि भाव और विचार के बारे हमारी क्लैरिटी हो जाए। तो भाव क्या है? जैसे कि आपने में से किसी ने कहने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो दो लाइनें एक बार लिख लीजिए फिर बात करेंगे।
भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है। भाव की स्वीकृति भाव है, भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है। अभी लिखूं क्या, लिख लोगे? क्या मतलब? भाव मतलब, भाव मतलब आयुष्मान भाव, भाव मतलब होना, होना 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 मतलब क्या? एग्जिस्ट करना है ना, जैसे मिट्टी पत्थर है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मानव है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज है, जो कुछ भी है। तो नेचर में जो कुछ भी है, हम तो कुछ ला नहीं सकते अपने तरफ से, जो है नेचर में है। तो जो कुछ भी नेचर में है, ह्यूमन बीइंग भी नेचर में है और मैं भी नेचर में हूं, ठीक। तो जो कुछ भी नेचर में है उसको मैं स्वीकार करता हूं या अस्वीकार करता हूं, दो ही ऑप्शन है मेरे पास। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक बढ़िया एग्जांपल, मेरे को अच्छा लगता है वो। जैसे किसी हॉस्पिटल में 25-50 बच्चे रोज पैदा होते ही हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, और सारी मदर्स, एक बड़ा वार्ड है या रूम्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, इसमें बाहर में कांच भी लगा हुआ है और लोग आते जाते भी दिख रहे हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो फिर नर्स लेके जाती है, थोड़ा साफ सूफ करके और अच्छे से कपड़े में लपेट के लाती है ना ऐसे। तो 25-50 माएं देख रही हैं और एक बच्चे को नर्स लेके आ रही है। अभी वो बच्चा क्या है, अभी वो बच्चा क्या है? बच्चा है, अभी वो बच्चा है। फिर 25 के सामने से, जिसके सामने से गुजर गई वो देख रही है, गुजर गई मेरा नहीं, और लाके किसी एक की गोदी में टिका देती है। अब वो बच्चा क्या है, जिसकी गोदी में टिका दिया उसके लिए क्या है? अब वो मेरा बच्चा है। अब तक वो बच्चा था, अब वो मेरा बच्चा है। कुछ बदल गया कि नहीं बदल गया? उस बच्चे के लिए कुछ बदल गया कि नहीं बदल गया? उस बच्चे के लिए आपकी पूरी दुनिया बदल गई। उसी क्षण से जैसे ही आपने उसको स्वीकारा कि ये मेरा है, आपका सारा सुख दुख उसके साथ में जुड़ गया। क्या समझ में आया? अभी एक रियल घटना घटी, अखबार में आई कि हॉस्पिटल में दो मदर्स के, और दो दिन बाद नर्स ने आके बताया कि मेरी गलती से आपके बच्चे एक्सचेंज हो गए। तो जो हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं उनके बारे कुछ कहना मुश्किल। क्या बताऊं? फिल्म में नहीं रहता लास्ट में हीरो को कोई बताता है कि नहीं ये तुम्हारे माँ बाप नहीं, एक लाइन बोलता है उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती। कुछ बदल नहीं गया है, फिजिकली सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन उसी क्षण में किसी, जैसे उसने स्वीकारा कि ये माँ बाप मेरे नहीं है, इसका मतलब फिर मेरे माँ बाप कौन है, और वहां से वो एकदम पूरी अलग दुनिया शुरू हो जाती। तो एक चीज समझ में आई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एक फ्लैट खरीदा है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 200-500 फ्लैट हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्टर या कॉलोनाइजर आपको लेके जा रहा है और बहुत सारे फ्लैट के सामने से गुजरते जाता है। आप सारे फ्लैट्स को बढ़िया प्यार से देख रहे हो, कोई एक फ्लैट के सामने जाकर रुक जाता है और चाबी आपको टिका देता है, सर ये आपका है। उसी क्षण से उस फ्लैट के बारे में आपका फीलिंग बदल जाता है।
उसकी दीवारों से आपको कोई अपनापन लगने लगता है। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं और चौथा थोड़ा सा और कठिन है। एक माँ को अपने आप को माँ स्वीकारना बहुत आसान है। एक माँ, एक लड़की जब पहली बार माँ बनती है तो उसको अपने आप को माँ फील कर पाना बहुत आसान है, नेचुरली होता है। एक पुरुष जब पहली बार बाप बनता है तो पुरुष लोग बताएंगे कि वो इमोशनली बाप बने कि नहीं बने। तो मां होने का फीलिंग जैसे आता है, क्या बाप होने का फीलिंग वैसे ही आता है? क्यों, फर्क है दोनों में कि नहीं फर्क है? कितने लोगों को समझ में आता है कि हाँ फर्क है? फर्क है। क्या फर्क है? हाँ, इसको ज्ञान बहुत, 9 महीने का फर्क है। तो मां को कोई शंका नहीं है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है, इसलिए मां को अपने मां होने को स्वीकारना बायोलॉजिकल फिनोमेना है। लेकिन जब मां से बच्चा होता है तो पिता को तो कुछ बिगड़ता नहीं है, उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है, मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, मैं तो वैसे ही हूं जैसा पहले था। तो बाप यदि अपने आप को बाप फील करेगा तो कैसे करेगा? है? हाँ, बच्चे को गोद में लेके जब तक 6 महीने के ऊपर उसके ऊपर सुषु करके उसका रुद्राभिषेक करेगा तब उसके भीतर से बाप जन्म लेता है। इसके बावजूद भी चेतना का स्तर है कि जैसी उसकी चेतना है वैसा बाप बनता है। इसलिए देखो, यदि पूरे इतिहास को देखेंगे तो बाप ने बेटे से गलती किया ये घटना मिल सकती है, मां ने बेटे से गलती किया ये घटना आपको कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि मां और बेटी का जो, मां और बेटे का या बेटी का जो रिश्ता है वो इतना साफ है, वो इतना बायोलॉजिकल है, वो इतना क्लियर है, उसमें मां होने को फील कर पाना नेचुरल घटना है, बायोलॉजिकल घटना है, एग्जिस्टेंशियल घटना है। उसमें उसकी चेतना पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि यदि आप देखोगे तो पशुओं में भी एक शाकाहारी पशु, शाकाहारी मां अपने बच्चे को बचाने के लिए मांसाहारी पशु से लड़ जाती। और यदि पशुओं में भी देखोगे तो पिता को पिता होने को वहां उधर फील नहीं होता है, इसलिए अधिकांश मां को अपने बच्चों को बाप से बचाना पड़ता है। ये घटना कॉमन है कुछ जगह छोड़ के। लेकिन मानव में अपने पिता होने की स्वीकृति उसकी समझ का स्तर जैसा है, उसकी चेतना का स्तर जैसा है, उसके आधार पर उसके पिता होने की स्वीकृति आती है। इन सारी घटनाओं को अब अपने ऊपर लाके देखें। आप एक मानव हैं, मानव में आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने आप को कितना स्वीकारते हैं और कितना नहीं स्वीकारते? एक कागज पे आप लिस्ट बना सकते हैं कि मैं खुद को कहां स्वीकारता हूं और कहां अस्वीकार करता हूं। कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम में से किसी ने भी, अधिकांश ने, किसी ने भी अपने आप को पूरा पूरा नहीं स्वीकारा है? मेरी अपनी पर्सनैलिटी के कोई पार्ट को मैं ज्यादा स्वीकारता हूं और मेरी अपनी पर्सनैलिटी के कोई पार्ट को मैं अस्वीकार करता हूं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ये ठीक है। तो जितना हम स्वीकार करते हैं उसका नाम भाव है, जिसको हम नहीं स्वीकार करते हैं उसका नाम अभाव है, उसको हम नेगेटिव भाव कहते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है, नेगेटिव भाव होता नहीं है, या तो भाव होता है या भाव का अभाव होता है। भाव के ना होने को अभाव बोलते हैं। किसी को अपनी हाइट स्वीकार नहीं है। हमारा एक दोस्त है पुराना, हम लोग साथ में पढ़े हैं स्कूल टाइम में, उसकी हाइट 5 फुट 1-2 इंच होगी।
अब तो लगता है कि कम हाइट होने से कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। बहुत पैसा है उसके पास, उसको लगता है कि मेरे को बड़े अधिकारियों से जाके बात करना है तो मेरी हाइट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। जबकि सच्चाई क्या है, जबकि सच्चाई क्या है, आपके शरीर का कॉन्फिडेंस लेवल से कोई लेन देन नहीं है। किसी को लगता है इंग्लिश की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, जबकि इंग्लिश का कॉन्फिडेंस लेवल से कोई लेन देन नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा कि मैंने एज ए पर्सन अपने शरीर के रूप में देखें तो किन्हीं चीजों को स्वीकार किया है, किन्हीं चीजों को पार्शियली स्वीकार किया है, किन्हीं चीजों को फुल्ली स्वीकार किया है। अपने पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरी जॉब, मेरी योग्यता है ना, मैं भी मैंने कुछ चीजों को पार्शियली स्वीकार किया है, कुछ चीजों को कंप्लीटली स्वीकार किया है। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूं और कुछ चीजें हैं जिनको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जैसे हाइट, कलर, मेल फीमेल, है ना। कुछ फीमेल को यदि लगता है कि मेरा फीमेल होना ही ठीक नहीं है, मेल होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा भी होता है। अब इसमें तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। तो इस तरह के कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनके रूट यदि हमको एक बार ध्यान में आएंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, और भाव की जो प्रक्रिया है, भाव का जो प्रोसेस है कि भव की स्वीकृति भाव है, तो उतना ही मेरा अपने साथ में एक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बनता है। और जितना मैं नहीं स्वीकार पा रहा हूं उतने ही मेरे को अपने बारे में एक कमी महसूस होती है। अब अपने रिलेशंस में आ जाइए। रिलेशंस में आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके फैमिली के बाकी लोगों को, आपके ससुराल पक्ष के लोगों को, आपके घर के पक्ष के लोगों को और आपके पड़ोसी को आपने एक जैसा स्वीकारा हुआ है कि अलग अलग स्वीकारा हुआ? और एक आदमी को एक ही जैसा स्वीकारे रहते हैं कि वो भी बदलते रहता है, वो भी लगातार बदलता है। आधे घंटे पहले बहुत प्यार आ सकता है उसी आदमी पे और आधे घंटे बाद लगता है जिंदगी में नहीं आता तो ठीक था, और आजकल ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने लगा। तो क्या समझ में आया? उसी तरह से इसको और विस्तार दे दें तो मेरा गांव, मेरा देश, मेरा समाज, जिसमें जितना फैल की चीजों को स्वीकारा हुआ है वो उतना बड़ा आदमी है, जो जितने छोटे कुकून में, छोटी सी स्फेयर में जीता है वो उतना छोटा आदमी। तो बड़े आदमी की, छोटे आदमी की परिभाषा क्या हुई? देखो शरीर तो हम सबका एक ही जैसा है, ज्यादा फर्क नहीं है। मेल और फीमेल में भी जन्म देने की घटना के अलावा कोई ज्यादा फर्क है नहीं, तो उस ढंग से देखेंगे। लेकिन हमारे भीतर बहुत अंतर है, हम बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से। ये क्या अलग अलग है? हम शरीर के कारण अलग अलग हैं कि अपने भाव और विचार के कारण अलग अलग है? ज्यादा बड़ा अंतर हमारे बीच में क्या है? ज्यादा बड़ा अंतर हमारे आपके बीच में भाव और विचार का अंतर है, शरीर का अंतर कोई उतना बड़ा खास नहीं है। तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनती है कि जिसको हम बड़ा आदमी कहते हैं या छोटा आदमी कहते हैं, तो सही अर्थों में बड़ा आदमी वो है जैसे मैं एग्जिस्टेंस का पार्ट हूं। मैं एग्जिस्टेंस का पार्ट हूं तो मैं पूरे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ हूं कि नहीं जुड़ा हुआ हूं? यदि हम बहुत मैथमेटिकली और बहुत साइंटिफिकली देखें तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल पूरे पूरे के पूरे कायनात और पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस के साथ उसका कोई जुड़ाव है कि नहीं है? जुड़ा ही हुआ है। तभी एक एटम के अंदर से लेके और मॉलिक्यूल से लेके और तमाम इतनी बड़ी हार्मनी हमको दिखाई देती है। इसका मतलब है कि आदमी भी उसी नेचर का एक पार्ट है। इसका मतलब है कि उस आदमी का भी तमाम जो कुछ भी है उसके साथ एक रिलेशन है। कहीं भी पानी खराब हो रहा है तो उसको देख के हमको खुशी होती है, नहीं खुशी होती है? कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आके मर गया तो हमको देख के खुशी होती है, मर गया मर गया? तो कुछ भी नेगेटिव है उसको देख के हमको अस्वीकार ही होता है, हमको नेगेटिव ही, हमको कहीं ना कहीं इसका मतलब कोई हमारा रिलेशन है। जबकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुत्ता उसके नीचे आके मर गया, कहीं पानी वेस्ट हो रहा है या बिजली वेस्ट हो रही है, मेरे को बहुत फर्क पर्सनली नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इमोशनली पड़ता है। इसका मतलब कोई कनेक्ट है।
तो फाइनली इतना ही मतलब हुआ कि जिसको हम सही मायने में कह रहे हैं कि बड़ा आदमी कह रहे हैं कि महापुरुष कह रहे हैं कि ज्ञानी आदमी कह रहे हैं, उसका इतना ही मतलब है कि जिस नेचर से वो है, जिस नेचर से वो पैदा हुआ है, जैसे हम माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमारा शरीर माँ बाप से पैदा हुआ है, तो उस माँ बाप के साथ अपना को रिलेशन हम पहचानते हैं। तो फाइनली हम माँ बाप से पैदा हुए हैं कि फाइनली हम नेचर से ही पैदा हुए हैं, क्या लगता है? मानव के पैदा होने में मानव का कोई योगदान, इस धरती पे मानव के उपलब्ध होने में मानव का कोई योगदान? मानव का कोई योगदान नहीं। मानव में सोचने की, सोचने समझने की क्षमता अनलिमिटेड है, इसमें मानव का कोई योगदान? इसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है। तो बेसिकली मानव एक नेचुरल एंटिटी है और पूरी कायनात से, पूरी नेचर से मानव पैदा हुआ है, तो पूरी नेचर के साथ में मानव का कोई रिलेशन है। जिसने अपने ओरिजिनल उस रिलेशनशिप को पहचान लिया है, वो कुल मिलाकर फाइनली कंप्लीट भाव के साथ में जीता है, नहीं तो हम अधूरे भाव के साथ में जीते हैं। क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से? क्या समझ में आया? भाव क्या है? कितने लोगों तक पहुंचा भाव क्या है? पहुंच पाया? कितने लोगों तक पहुंचा कि भाव क्या है? पहुंचा? नहीं पहुंचा वाले हाथ उठाओ। नहीं क्लियर हुआ कि भाव क्या है, उठाइए उठाइए, संकोच ना करें, संकोच ना करें। ठीक है, हाँ बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है कि आपने पहले बोला कि भाव किसी एक पे थोड़ी देर में भाव आता है और थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि ये क्यों हमारी जिंदगी में आया। और एक दूसरा प्रश्न ये है कि हम बाहर उस व्यक्ति को ऐसा बताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मगर अंदर से ऐसा होता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर भी हमारी ऐसी कभी मजबूरी नहीं होती है कि हमें उसको अच्छा बोलना पड़ता है। तो इसमें हमारे जो भाव है, जो भाव स्थिर नहीं रहते हैं, तो क्यों नहीं रहते हैं और स्थिर कैसे रखा जाता है कि जैसे हम क्लियर हो जाए कि हमें उसे क्या व्यवहार करना है। इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डाले तो क्वेश्चन के लिए जोरदार था। तो देखिए, जो चीज बदलने वाली है उसके प्रति भाव कैसा होगा? बदलने वाला होगा कि स्थिर होगा? बदलने वाला ही होगा। तो शरीर बदलने वाली चीज है कि सेम रहने वाली चीज है? शरीर बदलने वाली चीज है। तो अभी हमारा भाव, अभी हम सामने वाले को मानव के रूप में पहचानते हैं कि शरीर के रूप में पहचानते हैं? इसका फर्क कैसा है कि मानव के रूप में पहचानते हैं कि शरीर के रूप में पहचानते हैं? आपके सामने वाले को देख के आपको शरीर दिखाई देता है कि मानव दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है कि मानव दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देगा? मानव दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? मानव दिखाई देगा तो उसके साथ में कोई संबंध दिखाई देगा। जब संबंध दिखाई नहीं देगा तो शरीर दिखाई देगा। इससे ये समझ में आया, अब आप जांच सकते हैं कि आपको सामने वाला देख के शरीर दिखाई देता है कि संबंध दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बात समझ में आया कि हमको सामने वाले को देख के शरीर दिखाई देता है। अभी सारा भाव किस बात का है? छोटा बच्चा है, आपसे पैदा हुआ है, आपकी बहुत स्वीकृति है कि मेरा बच्चा है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपकी बात नहीं मानता है तो आपको लगता है कि मेरे को नकार दिया, तो मेरे को नकार दिया तो अब आपके उसके प्रति जो भाव है वो कम पड़ता है, आप भी नकार देते हो। किसी ने आपको नकार दिया, आप उसको नकार देते हो। आपका भाव है कि मैं इसको खाना खिलाऊंगी, खाना खिलाने का भाव है, कुछ दिन बाद वो अपने आप खाना खाने लगता है। अब खाना खिलाने का भाव एक्सप्रेस होने की जरूरत ही नहीं बची है। तो अभी हमारा भाव शरीर को लेके है और शरीर की, मेरा सुख शरीर से अनुकूलता और प्रतिकूलता है। तो यदि सामने वाला व्यक्ति मेरे शरीर की अनुकूलता के लिए काम करता है, मेरे अनुसार चलता है, मेरी मनमानी में चलता है, तो मेरे को ठीक लगता है। यदि वो मेरी मनमानी के अनुसार, मेरे मन के अनुसार नहीं चलता है तो मेरे लिए सुखदायी नहीं है। जो मेरे लिए सुखदायी नहीं है, क्या मैं उसको स्वीकार करूंगा? तो तुरंत मैं उसको अस्वीकार कर देता हूं। दूसरों के सामने पूछोगे तो वहां अस्वीकार करने से हमारा अपमान होता है या हमारी, दूसरों की नजरों में हमारी वैल्यू कम होती है। जैसा मैंने कहा कि एक पति पत्नी संबंध में हमारे बीच में जो कुछ भी है पर पड़ोसी को पता नहीं चले, ऐसा हम चाहते ही हैं।
हमारे घर में पैसे की कमी है, उसको दूसरे को पता चले कि नहीं चले, हम क्या चाहते हैं, दूसरे को पता नहीं चले, तो पता नहीं चले इसमें हमारा सम्मान है तो हम ऐसा व्यक्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि जब भी हम दूसरे को शरीर मानते हैं और उस दूसरे के मेरे अनुसार चलता है तो सुख है, मेरे अनुसार नहीं चलता है तो दुख है, और जब भी वो नहीं चलता है तो मैं अस्वीकार कर देता हूं। इसका मतलब यदि यदि जिस चीज को स्वीकारा है वो चीज बदलने वाली है तो भाव भी बदलने वाला है। यदि हमने जिस चीज को स्वीकारा है, नियम को स्वीकारा है, अब नियम बदलने वाला है तो भाव भी बदलने वाला नहीं है। तो एक बात इनके क्वेश्चन से ये क्लियर हो गई कि मानव के होने का कोई नियम है, मानव के सुखी दुखी होने का कोई नियम है। तो यदि मेरे को मानव के होने का नियम समझ में आता है, उसके सुखी दुखी होने का नियम समझ में आता है, अपने सुखी दुखी होने का नियम समझ में आता है, उस नियम को समझ के मैं स्टेबल हो सकता हूं। तो उसको चर्चा आगे करेंगे। तो मैं ऐसा समझू कि उसने मुझे अस्वीकारा, मैंने उसे अस्वीकारा, इससे पहले उसने मुझे अस्वीकारा। कभी कभी आप भी पहले अस्वीकार कर देते हो। नहीं, वो सामने वाला मेरी बात सबका नहीं मानता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसने मेरा अस्वीकार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभाव हुआ है इसे, तो पहले उसकी अस्वीकृति आई, फिर बाद में मुझे ऐसा हमेशा दूसरे की आती है कि कभी आपकी भी पहले आती है, ऐसे कोई बात जैसे उसकी पहले आई ऐसे आपकी भी पहले हो सकती है। किसी ने आपसे कोई अपेक्षा किया और आपने अस्वीकार कर दिया, तो उसने आपने उसको अस्वीकार किया, इसलिए उसने आपको अस्वीकार किया। जो आप करते हो दूसरा भी कर सकता है। बराबर। तो सर जो ये भाव है वो स्थिर रह जाए, जैसे स्वीकारना भी नहीं हो, अस्वीकारना भी नहीं हो, स्थिर कैसे रहा जाए कि जैसे उसी के लिए शिविर, हम स्टेबल रहे, उसी के लिए शिविर, उसी के लिए शिविर। बहुत बढ़िया है, आपने कम से कम आप सुन पा रहे हो, आपका क्वेश्चन ये बताता है कि आप सुन पा रहे हो, है ना? तो बहुत अच्छी बात यह है कि अभी हमारे भाव सारे कैसे हैं, हिलते डुलते रहते, ऐसे जैसे मैं अपने आप को सुंदर मानता हूं। सुंदरता का कोई मापदंड सबके लिए एक है क्या? ठीक। तो इसका मतलब है कि इस बारे में भाव अपना, इस बारे में भाव मैं सुंदर हूं तो मेरे को अपने आप को पहचानने का तरीका क्या होगा, मैं किससे कंपेयर ही करूंगा? जिस चीज के बारे हमारे पास कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, जिस चीज को स्वीकारने के लिए कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, उस चीज के बारे में मैं कंपैरिजन से ही कोई चीज को स्वीकारता हूं और कंपैरिजन में भाव बदलता रहेगा। तो जब तक वो एब्सोल्यूट खूंटा हमारे पास नहीं है, वो एब्सोल्यूट जगह हमारे पास नहीं है, तब तक ये सब दुनिया बदलती रहे। तो उसको समझेंगे। तो इससे एक बात पता चली कि जिंदा रहने के धरातल पर, यदि जिंदा रहने की जगह में देखें, सब कुछ लगातार बदल रहा है कि लगातार एक जैसा है? सब कुछ लगातार बदल रहा है। अभी भूख लगी है और खाना मिल गया, वही खाना देख के वोमिटिंग आती है। जिसको वही खाना ना मिलने से मेरे को लगता है कि, मिलने से लगता है कि स्वर्ग मिल जाए, और पेट भरने के बाद वो खाना मेरे लिए कोई काम का नहीं है, तो खाने के प्रति भाव बदल गया। उसी भोजन के प्रति एक घंटे पहले जो आपका भाव था, उसी खाने के लिए एक घंटे के बाद अब आपका नेगेटिव स्थिति आ गई, क्योंकि अब उसकी आपको जरूरत नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि जिंदा रहने के धरातल पे क्या किसी भाव की निरंतरता हो सकती है? यहाँ पे हो ही नहीं सकती। जबकि उधर क्या बोल रहे हैं जीने की जगह में, उधर वो नेसेसिटी ही है कि मेरे भाव और विचार की स्टेबिलिटी आ जाए, इसी का नाम जीना है। बढ़िया। हाँ जी बोलिए। मेरे हजूर अपना प्रश्न तो भाव और विचार पे था। हाँ, कोई बात नहीं, भाव और विचार पे जितनी दूर हम निकले हैं उससे हमको भाव और विचार का, जैसे मैंने कहा कि भव की स्वीकृति भाव है, इसमें कुछ पहुंचा आपके पास, कोई क्लैरिटी बनी कुछ? भव का मतलब होना, माइक है, शर्ट है, चेयर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, एटम है, मॉलिक्यूल है, गैलेक्सी है, सब कुछ है, जो कुछ भी है नेचर में है, उसमें से मैंने जिस चीज को स्वीकार लिया है, मेरा घर, मेरा भाई, मेरा दोस्त,
ये जो स्वीकारा है, स्वीकारना ही भाव है और नहीं स्वीकार पाना ही अभाव है। विचार विचार। अब जो मैंने स्वीकारा है मेरा भाई, अब जब मेरे से आप भाई के बारे कुछ पूछते हो तो मैं उस भाव को विश्लेषण करके आपको बता देता हूँ, उसको एनालाइज करके आपको बता देता हूँ, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपको बता देता हूँ, है ना, उसकी मैं फाइन डिटेल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इसका नाम विचार है। भाव की फाइन डिटेल्स को एनालाइज करके हम दूसरे को शेयर कर देते हैं। जैसे आपका मकान कहाँ है, मेरा मकान कोई एक एड्रेस में है, फिर और उसको पूछोगे तो मैं और चार चीजें जोड़ के बता दूंगा, तो उसको नाम विचार। तो भाव को जब मैं दूसरे तक कन्वे करना चाहता हूं तो भाव के बारे में, भाव को मैं जितना डिटेल करता हूं, एनालिसिस एनालाइज करता हूं और आप तक पहुंचाने के लिए जितने टुकड़े करके आपको शेयर करता हूं, वो बेसिकली भाव का विश्लेषण है, उसका नाम विचार है। हाँ जी, कितने लोगों की ये क्लैरिटी बन गई कि भाव को लेके कितने लोगों की क्लैरिटी नहीं बनी? नहीं वाले हाथ उठाए। भाव को लेके मेरे को क्लैरिटी नहीं बनी, हाथ उठाए। हो गए, बन गई? पहले तो नहीं बनी थी, वहीं तो एग्जाम्पल देके बता ना तुम्हारे रियल लाइफ कि तुमको भाव कैसे समझ में आया। भाव उसे कहते हैं कि मेरा ये मेरा है, तो वो मेरा भाव बन गया। और विचार तो अभी आपने समझा ऐसे ही कि जिसकी डिटेल में उसे दे दू पूरे पूरी, कि भाव की पूरी डिटेल मैंने आपको दी या आपने मुझे दी, तो वो विचार बन गया, वो मेरे इतने मुझे। तो मैं क्या करता हूँ आपके सामने, मेरे पास जिंदगी को लेके एक भाव है, भाव को ही समझ बोलते, भाव को ही समझ बोलते। तो मेरे पास जिंदगी को लेके भाव है, जिंदगी की समझ है, उसको मैं विश्लेषण पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इसका नाम विचार है। तो मैं भाव को ही विचार में कन्वर्ट कर देता हूं। आप क्या करते हो, आप उस विचार को सुनते हो, उस विचार को सुनने से आपके फाइनली आप उसको एक्सेप्ट कब कर पाते हो, जब जो भाव में कन्वे करना चाहता था वो भाव आप पकड़ लेते हो। जैसे अभी की परिभाषा देखें, अभी की चर्चा करें, हम चर्चा कर रहे हैं कि भाव क्या है। मैं भाव को समझता हूं, मैंने भाव को जैसा स्वीकारा है, मैं उसको विचार के रूप में आपके सामने रखता हूं, आप उस विचार को सुनते हो और फाइनली भाव को, भाव की समझ को अपने में पहचान लेते हो कि हाँ अब मैं पहचान गया। जब आप पहचान गए तब तब वो क्या चीज है, तब वो वही भाव है जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता था। इसी का नाम कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं कोई चीज को आपको समझाना चाहता था, मैं मोबाइल के बारे में आपको कुछ बोलना चाहता हूं, मैंने विश्लेषण पूर्वक विचार पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया, आपने विचार को सुना, सारे विचारों को असेंबल किया और फाइनली मोबाइल कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने चित्रण में, अपने इमेजिनेशन में। तो आप कहते हो कि हाँ समझ में आ गया। जब आप कहते हो हाँ समझ में आ गया, इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा था या तो आपने उसको पकड़ लिया, वो भाव जो कन्वे कर, तो विचार क्या है, भाव को कन्वे करने की कोशिश है, और समझ क्या है, उन विचारों से भाव को पहचान लेने की सफलता है, या उन विचारों से हम उस भाव को पहचान लेते हैं। बढ़िया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा, पहुंचा तो बोल के बताओ, और क्या, कथा थोड़ी है, ये कथा नहीं है, क्लास है। बोलिए कौन बोलेगा, भाव और विचार क्या है, माइक दीजिए पीछे। बिल्कुल अपनी जिंदगी से एग्जांपल लेके बताएं। मैंने मेरे पिताजी का हाँ स्वीकार किया। हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं, जो ये स्वीकृति बन गई तो मेरा भाव है वो निरंतर उनकी ओर है, लेकिन शब्दों के द्वारा उनके जन्मदिन पर मैं व्यक्त करता हूँ आई लव यू डैडी, तो वो शब्दों के माध्यम से जो मैं व्यक्त करता हूँ वो भाव की अभिव्यक्ति है, विचार के माध्यम से हो रही है, और वो जो विचार के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है वो मेरे पिताजी की ओर पहुँच जाती है और उनके मुख पर स्मित आ जाता है,
तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो भाव थे वो भाव को स्पष्ट हो गया, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बोल के बताए, और कोई बोल के बताए? हाँ बेटा, सर मुझे विचार समझ में नहीं आया। तुमको ये कैसे समझ में आया कि विचार समझ में नहीं आया? मेमोरी से नहीं, कैसे लगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है? तुमको ऐसा कैसे फील हुआ, कैसे लगा? तो तुमने कहा ना कि विचार समझ में नहीं आया, तो तुमको ऐसा कैसे पता चला कि विचार समझ में नहीं आया? माइंड से कैसा फील हुआ जब ऐसे लगा कि समझ में नहीं आ रहा, तो कैसा लगा? अच्छा लगा कि खराब लगा? कुछ गैप लगा? गैप लगा। इसका मतलब है कि जैसे कोई हमको बोलता है कि तुम मेरे को कहाँ मिलोगे, तो मैं बोलता हूँ कि वो अहमदाबाद में उस चौक पे मिलूंगा, उस जगह में मिलूंगा। वो पूछेगा कहाँ है, अच्छा तुम कहाँ खड़े हो, पूछे अच्छा ये देखा है, जब वो कहता है कि ये देखा है, वो मंदिर देखा है, हाँ मंदिर देखा है, उससे राइट में चलोगे तो लाल वाली बिल्डिंग आती है, वो देखिए, हाँ बोले हाँ वो देखिए, बस उससे 100 मीटर दूर चलना दिख जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सामने वाला बोल रहा होता है तो मैं मेरे अंदर मेरी मेमोरी में उस चीज को जोड़ रहा होता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का तो ठीक है, बोले यहाँ तक तो ठीक बताया, आगे का और बताओ, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो जब तक मेरे अंदर वो चित्रण, वो पिक्चर पूरी नहीं बनती है, तब मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया, है ना? तो विचार के बारे जो भी कुछ अपन चर्चा किए, तो विचार का मतलब है कि जैसे जब भी तुम बोलते हो तो हम तुमको फटाफट माइक पकड़ाते हैं, क्यों पकड़ाते हैं? ऐसा तुमने नोटिस किया कि नहीं किया? जब भी तुम बोलना चाहती हो तो तुरंत तुमको माइक पकड़ाते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा मैं क्यों करता हूँ? मुझे बोलना होता है इसलिए। हाँ, आपको बोलना होता है, बाकी के लिए ऐसा नहीं करता हूँ, इतना जल्दी नहीं पकड़वाता। क्योंकि ये भी समझने लायक बात है कि व्यक्ति उम्र में छोटा बड़ा हो सकता है, समझने की उम्र नहीं होती। समझने के ढंग से जैसा हम रिस्पोंड कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। समझने में जैसा आप रिस्पोंड करते हो वैसा वो भी रिस्पोंड करती है। तो मैं बार बार वो एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता हूं कि ये समझने वाला पार्ट तरीके से काम करता है, ये एज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक? तो विचार को ऐसा बोला कि जैसे तुम्हारा भाई है, तो कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा भाई कैसा है, तो तुम भाई को प्यार करती हो? तो कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा भाई कैसा है, तो तुम क्या क्या बताओगी? तुम्हारा भाई कैसा है तो तुम क्या बोलोगी? अच्छा है, उसमें गुड मैनर्स से थोड़ी और थोड़ी बैड मैनर्स से। तो ये क्या हुआ, जो तुम्हारा भाव था कि वो कभी कभी तुमको सुख भी देता है और कभी कभी तुमको दुखी भी कर देता है, ठीक है? तो जब वो तुमको सुख देता है तुमने उसको गुड मैनर्स कहा, जब कभी कभी तुमको दुख देता है तुमने उसको बैड मैनर्स कहा। ये क्या किया, जो तुम्हारे अंदर फीलिंग था, जो भाव था, जैसा तुम उसको महसूस करती हो सुख दुख के रूप में, जैसा तुमने उसको स्वीकारा है, उसको तुमने एनालाइज कर दिया दूसरे को बताने के लिए। तो फीलिंग को एनालाइज करके दूसरे को बताना विचार है। Okay. बोल के बताओ। इमोशंस को एनालाइज करके दूसरों को बताना विचार। इतना ही?
तो भाव और विचार को समझने का प्रोसेस जैसा हमारे अंदर चल रहा है वैसा क्लास थर्ड में भी उतना ही चलता है और अंतिम यात्रा के अंतिम पल में भी उतना ही चलता है। तो इससे एक पता चलता है कि इसमें एज कोई मैटर नहीं कर रही है। तो कम पढ़े लिखे को जल्दी समझ में आएगा कि ज्यादा पढ़े लिखे को? एज से कोई लेन देन नहीं, एजुकेशन से कोई, महिलाएं पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेगा? भोला पहले समझेगा कि काला? मोटा पहले समझेगा कि पतला? इंडियन पहले समझेगा कि अमेरिकन? जाति विशेष पहले समझेगा कि जाति विशेष पहले समझेगा? इसमें कुछ भी काम नहीं करता, जो ध्यान देगा वो समझेगा। और फाइनली ध्यान देने वाली चीज शरीर है कि मैं हूं? ध्यान देने वाली चीज शरीर नहीं, मैं शरीर के थ्रू मैं ध्यान देता हूं। और मेरी चेतना की स्थिति, मेरी समझने की स्थिति, हम सबकी वो स्थितियां अलग अलग है, उसके अनुसार कोई रिजल्ट आता है।